सनसनी ऑफ इंडिया। इंडिगो एयरलाइंस में कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव की नौकरी करने वाले एक व्यक्ति को शराब की लत ऐसी पड़ी कि उसको नौकरी से मिलने वाली तनख्वाह भी कम पड़ने लगी। शराब की लत को पूरा करने व कम समय में जल्दी पैसा कमाने के लालच में एक आदतन अपराधी के साथ मिलकर हरियाणा से चोरी छिपे सस्ती अवैध शराब लाकर दिल्ली और यूपी में ऊंचे दामों पर बेचना शुरू कर दिया। इससे पहले कि दोनों आरोपी शराब तस्करी के दो नंबर के धंधे से पैसा कमाकर अपने सपनों को पूरा कर पाते, उससे पहले ही साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल स्टाफ ने उन्हें दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान द्वारका निवासी 32 वर्षीय अनिल कुमार व सागरपुर निवासी 29 वर्षीय विक्रांत के रूप में हुई है। आरोपियों के पास से 1050 अवैध क्वार्टर्स व एक मारुति रिट्स कार बरामद हुई है। दक्षिण पूर्व जिले में दो शराब तस्करों ने आतंक मचा रखा था। यह शराब तस्कर इलाके की झुगी झोपड़ी व स्लम बस्तियों में धड़ल्ले से अवैध शराब की तस्करी कर रहे थे। शराब तस्करों को दबोचने के लिए दक्षिण पूर्व जिले की DCP ऐशा पांडे ने मनोज सिन्हा ACP ऑपरेशन की देखरेख व इंस्पेक्टर ऐशवीर सिंह के नेतृत्व में SI आकाश, ASI फूल सिंह, ASI राजेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल विपिन, प्रवेश कांस्टेबल राजेंद्र और सोनू की एक टीम का गठन किया। स्पेशल स्टाफ दक्षिण पूर्व डिस्ट्रिक्ट प्रभारी इंस्पेक्टर ऐशवीर सिंह ने टास्क को चुनौती के रूप में लेते हुए स्पेशल स्टाफ की टीम के साथ साथ इलाके में मुखबिरों को एक्टिव कर दिया। टीम के कुछ सदस्य सादी वर्दी में इलाकों में घूम घूमकर शराब तस्करों की एक्टिविटी और मूवमेंट पर नजर रखने लगे। मुखबिरों से टीम को शराब तस्करों में से एक का मोबाइल नंबर मिल तो गया, लेकिन आरोपी ज्यादातर समय अपना फोन ऑफ रखते थे और केवल वाईफाई कॉलिंग से ही अपने सर्कल के लोगों से संपर्क करते थे। टीम ने टेक्निकल सर्विलांस से आरोपी की लोकेशन खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन शराब तस्कर इतने शातिर थे कि कॉल करने के तुरंत बाद अपना फोन बंद करके हर थोड़ी देर बाद अपना ठिकाना बदल देते थे। ASI फूल सिंह को मुखबिरों से पता चला कि मारुति रिट्स कार नंबर DL7CH6899 से तस्कर इलाकों में अवैध शराब की तस्करी करते हैं। तस्करी में इस्तेमाल कार नंबर आइडेंटिफाई होते ही इंस्पेक्टर ऐशवीर सिंह ने तस्करों की कार नंबर प्लेट को हाई अलर्ट पर लगा दिया, ताकि जैसे ही तस्करों की कार ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिग्निशन कैमरों के सामने से गुजरे उसका अलर्ट मैसेज टीम के पास पहुंच जाए। टीम की मेहनत रंग लाए। दिनांक 12 सितंबर 2022 को सस्पेक्ट कार की मूवमेंट इलाके में दिखाई दी। टीम तुरंत अलर्ट हो गई। ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिग्निशन कैमरों से कार की मूवमेंट रिंग रोड लाजपत नगर से आश्रम चौक की तरफ आती हुई दिखाई दी। इंस्पेक्टर ऐशवीर सिंह शराब तस्करों को दबोचने का यह मौका किसी भी हाल में अपने हाथ से नहीं निकलने देना चाहते थे। टीम ने तुरंत रिंग रोड के हल्दीराम के पास जाल बिछाया दिया। थोड़ी देर बाद मारुति रिट्स कार आती हुई दिखाई दी। मुखबिर ने कार की पहचान कर टीम को इशारा किया। मुखबिर से इशारा मिलते ही टीम ने कार को चारों ओर से घेर कर शराब तस्करों को दबोच लिया। कार की तलाशी लेने पर कार के अंदर से केवल हरियाणा में बिक्री वाले 1050 अवैध शराब के पब्बे बरामद हुए। पूछताछ करने पर आरोपियों की पहचान द्वारका निवासी 32 वर्षीय अनिल कुमार व सागरपुर निवासी 29 वर्षीय विक्रांत के रूप में हुई। आरोपियों के खिलाफ थाना लाजपत नगर में FIR संख्या 607/22 धारा 33/52 दिल्ली आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी। पहला आरोपी 32 वर्षीय अनिल कुमार पुत्र जनार्दन द्वारका दिल्ली का रहने वाला है। इसने 8वीं तक पढ़ाई की है। फिलहाल यह बेरोजगार चल रहा था। यह पहले भी शराब तस्करी के एक मामले में गिरफ्तार हो चुका है। दूसरा आरोपी 29 वर्षीय विक्रांत पुत्र रामबीर सागरपुर दिल्ली का रहने वाला है। इसने 9वीं तक पढ़ाई की है, लेकिन यह इंडिगो एयरलाइंस में कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम कर रहा था, किंतु अपनी शराब के नशे की लत को पूरा करने व कम समय में जल्दी पैसा कमाने के लालच में शराब तस्कर बन गया। इसका पहले से कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और हाँ, क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। देखना न भूलें सनसनी ऑफ इंडिया। कहीं डर तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या तो कहीं
हत्या, कहीं साजिश, तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश। देखें हर रोज रात 10:30 बजे सनसनी ऑफ इंडिया।